नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बाबू के साथ मैं मौजूद हूं जेपी कोविड केयर सेंटर में। हमारे साथ इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी जी हैं। रीवा में जिस तरीके से आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा सेंटर, अगर ये कहा जाए प्रदेश के सबसे बड़े सेंटरों में से एक ये सेंटर आपने बनाया, इसके पीछे क्या मंशा थी? जैसा कि आप, एक समय ऐसा आया था जब लग रहा था कि कोविड में कहीं हमारे हॉस्पिटल्स की गिनती कम न पड़ जाए और आने वाले खतरों से निपटने के लिए जिला प्रशासन, जेपी प्रबंधन और नागरिक मंच के सहयोग से एक ये बड़ा कोविड केयर सेंटर और इसके साथ इसमें हॉस्पिटल भी, 50 बेडेड ऑक्सीजन हॉस्पिटल भी यहाँ अटैच किया गया कि भविष्य में यदि हमारी ये संकट बढ़ता है तो उससे निपटने के लिए ये कोविड केयर सेंटर जो हमारी विधानसभा में है, ये मध्य प्रदेश के बड़े सेंटरों में से एक स्थापित किया गया। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ कोविड केयर सेंटर में लोग आए भी और लोग ठीक होके केयर करके उनकी छुट्टियाँ किए हम लोग, और आज वो खुशी घर जा रहे हैं और सबको धन्यवाद दे रहे हैं। इसके लिए पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल जी का भी जो प्रयास था वो बहुत ही सराहनीय, और उन्होंने जो सही समय पर निर्णय लिया था, आज वो हम लोगों को सुकून है मन में कि हम लोगों को ठीक कर पा रहे हैं। बड़ा होने से वो मायने नहीं है, जो हम लोगों को सुविधाएं दे पा रहे हैं और आने वाले समय में भी कोरोना की तीसरी लहर आए, कुछ भी आए, उसके लिए ये कोविड केयर सेंटर एक माइलस्टोन साबित होगा और ये साबित हो रहा है। माइलस्टोन साबित होगा, ऐसा कहना था यहाँ के स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी का। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।